व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट में नोटेशन है आरडी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इट इज डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस गैस, यानी कि ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक है। और जाहिर सी बात है रेशियो है तो दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी। अब हमें पता है कि डेंसिटी होता है पीएम अपॉन आरटी, प्रेशर मोलर मास आर गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मैं रिलेटिव डेंसिटी के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ कि मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एसओ थ्री गैस विद रिस्पेक्ट टू सी एच फोर गैस। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी एसओ थ्री की निकालनी है, तो मोलर मास एसओ थ्री विद रिस्पेक्ट टू सी एच फोर है, तो मोलर मास ऑफ सी एच फोर 80 मोलर मास एसओ थ्री का 16 मोलर मास सी एच फोर का डिवाइड करने पे 5। इसका मतलब सी एच फोर के एक मोलिक्यूल की तुलना में एसओ थ्री का मोलिक्यूल 5 गुना भारी है, 5 टाइम्स हैवी है। तो रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ ये बताती है कि जिस गैस को रेफरेंस ले रहे हैं उसकी गुना में इसका मोलिक्यूल कितना भारी। तो सीधा ही आप बता सकते थे इसका मोलर मास 80 कर देते, इसका 16, तो ये रेशियो ही जो है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी की, जिसको शॉर्ट में वीडी लिखते हैं। इसमें हमने क्या किया, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, यानी ये रेशियो है डेंसिटी ऑफ गैस वर्सेस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगेन दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। हमें ये पता है कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है, तो वेपर डेंसिटी इज मोलर मास गैस अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एम इज मोलर मास, तो मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा आ गया मोलर मास गैस अपॉन 2। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ एसओ थ्री गैस, तो सिंपली क्या करना है, इसका मोलर मास लेना है 80 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 जो है इसका यूनिट लेस वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी अगर किसी का दिया हुआ है उसको 2 से गुणा कर देते हैं तो वो आ जाएगा इसका मोलर मास। बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, शॉर्ट में साइन है SG। ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफरेंस में वाटर लिया जाता है लिक्विड और 4 डिग्री पे लिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वाटर का जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml। ये रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगेन इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट इसकी ग्राम पर ml। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल किसी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 दे दिया आपको, अब इसमें कोई नंबर नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 1.2 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी हो जाएगा।